थाने परिवहन समिति के सदस्यों की बड़ी मुश्किलें शुरुआत हुई शमीम खान से। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा कौसा के कलवा मुमरा के राकापा अध्यक्ष शमीम खान और साथ ही साथ परिवहन समिति के सदस्य भी है और परिवहन समिति के सदस्य होने के बाद अब जो है वो विवादों में घिर चुके हैं। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके प्रमाण पत्र जो उन्होंने परिवहन समिति सदस्य बनने को लेकर दिए थे वो सारे जाली है और ऐसे में ये सारे पेपर की सही तरीके से जांच हो इस तरीके की मांग कांग्रेस के युवा नेता सलमान रिजवी ने कहा है। अगर मेरी मांग को पूरी नहीं किया जाता है तो मैं जो तमाम मनपा के बड़े अधिकारी है चाहे वो मनीष जोशी हो चाहे वो परिवहन समिति के जो सदस्य बनाते वो हो ऐसे सभी लोगों को मैं न्यायालय तक ले जाकर के कटघरे में इन्हें खड़ा करूंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त करवाने की मांग करूंगा और ऐसे में देशद्रोही की भी जो है प्रकार को वो अपनी तरफ से बढ़ावा देंगे और साथ ही ये भी कहेंगे कि जितने भी ऐसे फर्जी दस्तावेज थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा होते हैं और जिनके बाद लोग बड़े बड़े अपने पद के नियुक्ति करते हैं और ऐसे में ये सारी नियुक्ति के बाद अगर इस तरीके से रिपोर्ट आप लोगों को मिलेगी कि ये जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके प्रमाण पत्र फर्जी होंगे तो किस तरीके से लोगों का भरोसा उठेगा और ये लोग अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी में बढ़ावा होगा। हम आपको सुनाते हैं कि सलमान रिजवी ने इस पूरे मामलात को लेकर क्या जानकारी दी है और सलमान रिजवी के इस तमाम जो मुद्दा है इसे गरमाने के बाद शमीम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। देखें कैसा है कि मैं आज नहीं आया हूँ, मैं तकरीबन 10 दिन से यहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मालूमात के हिसाब से मैंने आरटीआई डाला था कि जितने भी 2020 के अंदर चुने गए टीएमटी के जो जितने भी सदस्य हैं परिवहन के जिन्होंने अपना नॉमिनेशन डाला था वो उनके जो कागजात हैं जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया हुआ है परिवहन में वो सब कहीं ना कहीं फ्रॉड है, इलीगल है, फर्जी हैं। अच्छा। उसके ख़िलाफ़ मैंने आरटीआई डाला तो आरटीआई अधिकारी ने भी उस डॉक्यूमेंट को देने से इनकार किया। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है ये 12 लोगों का, मुझे ये चिट्ठा उन्होंने दिया है। अच्छा। लेकिन 12 लोगों का जो चिट्ठा दिया है और जो मैंने उनसे मांगा था वो इसमें एक भी नहीं है। पहली चीज़ ये होती है कि परिवहन के नॉर्म्स के अंदर अगर आपको किसी भी टीएमटी का सदस्य बनना है तो इनके नॉर्म्स के हिसाब से ऑटोमोबाइल होना ज़रूरी है। 6 साल का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 6 साल का काम करता हुआ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसी भी यूनियन, रिक्शा यूनियन का कम से कम 5 साल का संगठन बन के, सचिव बन के काम करना होना ज़रूरी है। इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट में एक भी ऐसी चीज़ नहीं दी है। इन्होंने पहले दिया कि जो नॉमिनेशन उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, कैंडिडेट कौन है, सूचक कौन है, अनुमोदक कौन है, इतना मुझे पहला लेटर दिया। उसके पीछे कंटिन्यू 6 पेपर उन्होंने ये लगाया है कि इसका मतदार संघ में नाम है, इसका ऑनलाइन में नाम है, मतलब 6 पेपर मुझे खाली ऐसा लग रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 6 पेपर 7 पेपर उन्होंने इसमें यह दिया है कि इनका इलेक्शन मतदार यादी के अंदर नाम है। तो ये तो 1 पेपर में बता सकते थे कि नाम है, 6 पेपर देने की उनको ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। आप ये देखें कि जो प्रतिज्ञा पत्र है ये भी बिफोर मी है, इसमें भी मैंने मांगनी करी है कि साइन इलीगल है इनकी। इन्होंने जो ये जमा किया हुआ है लेटर फोर्स मोटर्स किसकी बात किसी ने मैं सदस्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सदस्य है? ये जो है ये शमीम ए गनी खान करके हैं। अच्छा। कोई इन्होंने फोर्स मोटर का एक्सपीरियंस लेटर फोर्स मोटर ने परिवहन को दिया है कि शमीम खान मेरे कंपनी में, मतलब फोर्स मोटर में 5 साल एज अ सर्विस एडवाइज़र के बतौर काम कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं खुद 4 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, एक सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। पहली चीज़ कि डिग्री होना ज़रूरी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिग्री होती है जिसको मार्कशीट कहा जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर के। तो मैंने इनको कहीं देखा नहीं कि इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर, इन्होंने जब पहले थे जिस पार्टी के अंदर इलीगल तरीके से बिल्डिंगें बनाते गए, मैंने कभी नहीं देखा इनको कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में काम करें। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम तो नहीं किया। लेकिन मैं अब कोर्ट में इसका
PIL दाखिल करने जा रहा हूँ परिवहन के जो मैनेजिंग कमेटी है। जैसा कि मैंने सभापति साहब से पूछा, सभापति साहब ने बोला कि मेरा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक सभापति हूँ। मैंने यहाँ के माहिती अधिकार परिवहन के जो अधिकारी हैं बहरे साहब उनके पास गया, वो बोलते मेरे पास नहीं, वो सीधा बोल रहे हैं कि थाने महानगर पालिका के सचिव मनीष जोशी साहब हैं, उन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जेरे निगरानी के अंदर सर्च हुए हैं, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ये इनको मेंबर बनाया गया। मैं मनीष जोशी साहब पे भी केस करूँगा, मैं नगर पालिका के आयुक्त को भी लेटर दूंगा, परिवहन के सभापति को भी लेटर दूंगा, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके। ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें और भी मेंबर्स हैं जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके इनको किसी के मदद से, किसी के प्रेशर से या किसी के आशीर्वाद से सभापति के नेतृत्व में सदस्य बनाया गया। मैं निवेदन करूंगा और मैं इसके बाद जाऊंगा भी मनीष जोशी के पास भी जाऊंगा, इनका अहवाल मांगूंगा। अगर मैं किसी, देखिए मैं किसी कमिश्नर को अगर किसी के कंप्लेंट के रिलेटेड में लेटर दूं, तो कमिश्नर का काम है उस पर चौकसी करके उस पर तातड़ीने कार्रवाई करना ज़रूरी है। मसलन मैं कल बोल दूँ यार वो कल कौसा में बम फटने वाला है, तो बम स्क्वाड बम फटने का इंतज़ार नहीं करेगा। जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी ना तो उस पर जाँच करेगी, उस पर फोर्स भेजेगी, उस पर पुलिस जाएगी, उस पर CID जाएगी, लोकल पुलिस स्टेशन जाएगा, लोकल फायर ब्रिगेड जाएगा, उसके बाद छानबीन के बाद ये तय हो पाएगा कि बम है या नहीं है। मैंने दिया है अर्जी कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, आपका काम है उस पर चेक करना, उस पर एक्शन लेना, उस पर वेरिफिकेशन करना, वो आपका काम है। मैंने लेटर दिया, आप करें। और आने वाले 10 दिन के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई और जितने मेंबर्स जिन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट जमा किया वो सस्पेंड नहीं हुए, तो मैं थाने परिवहन समिति के नीचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में, एडवोकेट विक्रांत चाप के नेतृत्व में महा आंदोलन करूँगा, यह आह्वान है मेरा। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।